टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैंने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन से एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एंड उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ एंड रूपाली सिंह वो मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक्स टू रूपाली बिहाइंड द कैमरा वुमन वेरी गुड ये है एंड सेकेंड ये है हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैंने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन से एंड दैट इज़ रिलेटेड टू राइडिंग एंड यू नो सो क्वाइट एक्साइटेड एंड वन मोर थिंग अगर ये कुछ आवाज़ आ रही है साइड में से पीछे से तो प्लीज़ इग्नोर इट यहाँ पे कुछ बिल्डिंग में काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है एंड उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ एंड रूपाली सिंह वो मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे बिकॉज हमारे पास अभी तक रिंग लाइट है नहीं तो हम लोग नेचुरल लाइट से ही लॉक करते हैं सो एनीवेज भाई या वो तो ऑब्वियसली नेचुरल में जो लाइट आता है इफेक्ट आता है वो रिंग लाइट से भी नहीं आता है बट फिर वो नॉइज़ का बहुत सारा इशू होता है मतलब हमेशा यू नो बैकग्राउंड में नॉइज़ चलता रहता है एनीवेज गाइज कमिंग बैक टू द पॉइंट आज का जो व्लॉग है बेसिकली आई कैन से ऑफिशियली इट्स माई फर्स्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग देर आर टू आइटम्स विच आई एम गोइंग टू अनबॉक्स अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक्स टू रूपाली बिहाइंड द कैमरा वुमन सो वेरी गुड ये है अब ये क्या है आपको दिखाता हूँ चीर पार करने में बहुत मदद है तेरे लेकिन अरे डोंट वरी सो एज यू कैन सी दिस इज माइक्रोफोन ये है स्मैशट्रॉनिक्स आई डोंट नो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा रहेगा या नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको आप देख लो एंड देन बेसिकली यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली मैंने क्यों ऑर्डर किया लास्ट संडे मैं और रूपाली हम लोग राइड पे गए थे एंड दैट टाइम एक बहुत बड़ा तो पंगा हो ही गया था हमारे साथ एंड आने के बाद भी एक इशू हो गया था बेसिकली माई माइक वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो हैव टू ऑर्डर दिस न्यू माइक एंड दिस माइक आई एम यूजिंग फर्स्ट टाइम इसके पहले मैं यूज़ करता था वो था बोया का राइट हाँ या बोया माइक वो एक्चुअली मैंने परचेज नहीं किया था मतलब परचेज नहीं किया था मतलब रूपाली ने पहले लेके रखा था शी नीडेड इट एंड बाद में मैंने फिर उसको हेलमेट पे माउंटिंग वगैरह करके उसमें यूज़ किया था बट उसमें एक इशू था दैट माइक क्वालिटी मतलब साउंड क्वालिटी वॉज एब्सोल्युटली फाइन वो रहेगा ना अपने पास दिस इज अ माइक इसके ऊपर का वो रहता है ना क्या बोलते हैं उसको स्पंज स्पॉन्ज या स्पंज वॉट एवर वो मैंने निकाल के रख दिया है आई थॉट कि इसका कभी ये हो जाएगा तो मतलब गुम हो जाएगा तो आई कैन यूज दैट इसमें साउंड क्वालिटी इज एब्सोल्युटली फाइन एक ही इशू है लेंथ ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 18 फीट का इसका लेंथ है सो हेलमेट में लाइक यू नो व्हेन यू हैव टू पुट दिस वायर इनसाइड द हेलमेट तो काफ़ी वो मतलब ये ना एक बड़ा सा ये गुच्छा सा बन जाता है बंडल ऑफ टाइप एंड वो कई बार होता है कि लाइक यू नो वी आर वेयरिंग हेलमेट तो वो थोड़ा सा टाइट बैठ जाता है हेलमेट एंड वन मोर थिंग आई डोंट नो व्हाट इज इट इज कॉल्ड ये इसमें एक सेल रहता है यहाँ पे हम लोग इसको सेल डालते हैं तो अभी मैंने वो निकाल के रखा है बिकॉज लास्ट टाइम आई थॉट कि इसमें सेल का इशू रहेगा तो आई चेंज इट बट वो माइक की प्रॉब्लम हो गया था आवाज़ बहुत लो आ रही थी तो ये हमेशा ये बाहर आता है हेलमेट की तरफ एंड खट 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 कर करके आवाज़ आता रहता है सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई समथिंग न्यू सो आई हैव बॉट दिस आई डोंट नो अभी इसका तो अनबॉक्सिंग मतलब मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ देखते हैं पहले बॉक्स में क्या है अच्छा नहीं कवर दिया उन लोगों ने आई थिंक या ओह आई थिंक दिस इज एक्सटेंशन या राइट बिकॉज आई हैव रीड अबाउट दिस कि इसमें वायर आता है तो इसी के लिए कुछ नहीं है एक इसका वॉट एवर वारंटी तो नहीं रहेगा इसमें ऊपर से
जस्ट लाइक मेरे ख्याल से आई डोंट नो गारंटी कार्ड काइंड ऑफ समथिंग या एमआरपी यू कैन सी इट्स 799 बट ये अमेजोन पे हम लोग को पड़ा है 499 में राइट एक्चुअली रिव्यूज थे अच्छे थे सी हां या आई विल टेल यू वन थिंग अभी मैंने ये परचेज किया है रिव्यूज देख के बट इफ यू रियली वांट टू नो कि कैसा है एंड क्या है तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना रहेगा बिकॉज कमिंग संडे आई एम गोइंग ऑन राइट सो उसमें आई विल यूज दिस माइक एंड आई विल लेट यू नो कि मतलब इसमें कैसा है साउंड क्वालिटी एंड बराबर इसको खरीदने का एक ही रीज़न था शॉर्ट लेंथ बिकॉज एज आई एम गोइंग टू पुट इट इनसाइड द हेलमेट सो मेरे को लॉन्ग लेंथ का जरूरत नहीं है एंड इसका एक्सटेंशन केबल आता है दैट वी कैन यूज इट ऑन वेन एवर वी नीड इट एंड इसमें वो सिलेंड्रिकल टाइप वाला भी वो क्या बोलते हैं आई डोंट नो बट वो भी नहीं है तो आई थिंक इट जस्ट प्लग एंड प्ले मतलब इसमें चार्जिंग का भी वगैरह कुछ इशू है नहीं मैं यही बोल रहा था वो बोया का मैंने ये निकल के रखा ये एंड अभी दिस इज वन अनबॉक्सिंग एंड अगला वाला है जो काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड सेकेंड ये है इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे ना मतलब हेलमेट तो वो माइक तो चाहिए था बट ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने परचेस किया है तो ये एक्चुअली ना ये सब कटिंग वटिंग है ना रूपाली बहुत बढ़िया करते हैं मेरा एकदम बोलते ना उसमें क्या बढ़िया कर मतलब वो एकदम रंटी जैसा मतलब क्या बोलते हैं सो दीज आर नी गार्ड्स ये है स्कोयको SCOYCO आई डोंट नो मतलब मैंने भी ये मेरा फ्रेंड है एक हर्ष उसने मुझे सजेस्ट किया था एंड एज यू कैन सी ओहो पैकिंग तो बहुत बढ़िया दी है ना ये लोग ने कवर भी अच्छा है एंड वेयर इज दैट पेयर ऐसे कैसे वी हैड ऑर्डर दैट वाला ना हाँ सो गाइस एक्चुअली हमने ऑर्डर किया था एल्बो एंड नी सॉरी नी गार्ड्स एंड एल्बो बट ये सिर्फ नी गार्ड है एल्बो तो इसमें है नहीं सो गाइस वी आर रिटर्निंग दिस बिकॉज एक तो जो प्रोडक्ट मंगाया था वो प्रोडक्ट है नहीं हम लोग जो ऑर्डर किया था वहाँ पे रेड मार्क्स था एंड प्लस एक ग्लास का नहीं था राइट सेकेंड थिंग एक मतलब दो नी गार्ड थे एंड दो एल्बो का हम लोग ने ये किया था मतलब टोटल चार और इसमें आए दो ही So we have to return this. उसमें भी कुछ नहीं है ना और कुछ नहीं है we checked it nothing see it's all empty पता नहीं ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए तो I don't know अभी मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकता अमेजोन से ऑर्डर करो नहीं करो तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये सब आइटम है ना बेटर है शॉप में जाके परचेज करो ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव ऑर्डर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू अमेजोन एंड अदर लाइक यू नो फ्लिपकार्ट एंड ऑल दिस सो नाउ लेट्स रिटर्न इट अभी देखते हैं संडे राइड का प्लान था वो तो वैसे भी जाएंगे बट थोड़ी ना कि नहीं करते वी आर दिस ना राइडिंग इज हां बट ये तो हम लोग को लॉन्ग राइड के लिए चाहिए था ना वैसे नहीं ऐसा संडे राइड के लिए इसे यू हैव टू वेयर एवरी टाइम हां बट वैसे क्या हम लोग जाते नहीं है क्या जाते नहीं हो चलता है बट एक्चुअली यू हैव टू वेयर सो एनीवेज बाय बाय टू दिस मेरे को से शॉप में जाके ले लेंगे बाद में देखते हैं मुझे तो लगा वही बेटर रहेगा यार वी कैन गेट द आईडिया आल्सो ना चलो सो एनीवेज गाइस ये अनबॉक्सिंग इधर ही खत्म हो रही है फेल अनबॉक्सिंग आई इट्स ओके ये होता रहता है अभी मेरे को माइक का भी देख लेता हूं नहीं तो पता चला वो भी वर्किंग नहीं हो रहे सो गाइस अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर बी सेफ लिव योर लाइफ लव योर लाइफ